हेलो गाइस, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए द हैचिंग मूवी को लेकर आया हूँ। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में बहुत ही सस्पेंस और ट्विस्ट है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखकर बहुत ही मजा आने वाला है। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जिमनास्टिक की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसका नाम तिंजा था। तभी उसकी मॉम आकर उसे गुदगुदी करती है और उनके हाथ में एक कैमरा होता है। इससे हमें ये समझ आ जाता है कि वो व्लॉगिंग कर रही थी। उनकी फैमिली में वो चार लोग थे, मदर, फादर, तिंजा और मतियास, जो कि तिंजा का छोटा भाई था। और देखने में ये हमें एक आइडियल फैमिली लगती है। और जैसे ही ये व्लॉग एंड कर रहे होते हैं कि तभी खिड़की से एक रेवन बर्ड अंदर आ जाती है और इनके घर के ग्लास डेकोरेशन को तोड़ने लगता है। तिंजा की मॉम को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और पूरी फैमिली उस बर्ड को पकड़ने लगती है, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता है। और जब वो बर्ड फ्लोर पर आकर बैठता है तो तिंजा उस पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ लेती है और वो अपनी मॉम से जाकर पूछती है कि अब इसका क्या करना है। तो उसकी मॉम उस बर्ड को लेती है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे बेरहमी से मार डालती है। और फिर वो अपनी बेटी तिंजा को उसे बाहर डस्टबिन में फेंक कर आने के लिए कह देती है। इसे देखकर तिंजा को बहुत बुरा लगता है और इसके बाद तिंजा उस बर्ड को डस्टबिन में डालकर आती है। लेकिन उसके जाने के बाद डस्टबिन में कुछ मूवमेंट होता है और बर्ड अभी भी जिंदा थी। अब हम देखते हैं कि इनके पड़ोस में एक फैमिली शिफ्ट करती है, जहां पर तिंजा की मुलाकात एक रीटा नाम की लड़की से होती है जो कि उसी की एज की थी और उसके पास एक डॉग भी था। जब तिंजा उस डॉग के साथ में खेलने जाती है तो डॉग उसे काट लेता है और इसे देखकर रीटा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसके डॉग ने किसी को भी नहीं काटा था। तिंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो शो नहीं करती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जिसमें उनकी मॉम मतियास को लोरी गाकर सुला रही थी, लेकिन मतियास उन्हें बार बार जोर से लोरी गाने के लिए बोल रहा था, जिससे कि वो फ्रस्ट्रेट होने लगती है। और फिर वहाँ पर तिंजा आ जाती है और वो भी अपनी मॉम के साथ में मतियास को गाना गाकर सुला देती है। फिर वो अपनी मॉम के साथ में रूम में सोने के लिए आ जाती है और फिर उसकी मॉम उसे उनकी फैमिली का एक व्लॉग दिखाने लगती है और वो इनडायरेक्टली तिंजा पर अपकमिंग जिमनास्ट कंपटीशन को जीतने का प्रेशर भी डालने लगती है। जब तिंजा सोने लगती है तो उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और ये आवाज़ उसी बर्ड की आवाज़ थी। वो जब उस बर्ड को देखने के लिए जाती है तो डस्टबिन में नहीं थी, तो इसीलिए अब वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल में चली जाती है और वहाँ पर वो बर्ड जमीन पर पड़ा था और बहुत ही पेन में था। इसे देखकर तिंजा को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और तिंजा उसे पत्थर से मारकर एक ही बार में उसे पेन से रिलीफ कर देती है। और उसे तभी पास के एक घोंसले में एक अंडा नजर आता है जो कि शायद उसी रेवन बर्ड का था, जिसे तिंजा उठाकर अपने साथ में ले आती है और वो उसे गर्माहट देने के लिए अपने टेडी बेयर के नीचे रख देती है। अब अगले दिन तिंजा जिमनास्ट की प्रैक्टिस के लिए जाती है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उसकी कोच आकर उसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए समझाने लगती है और उसे मोटिवेट भी करती है। उसके बाद में तिंजा की फ्रेंड्स उसे उनके साथ में घूमने के लिए कहती है, लेकिन तिंजा उन्हें मना कर देती है। तिंजा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, क्योंकि तिंजा की लाइफ उसकी मॉम कंट्रोल करती थी और यहाँ तक कि वो क्या खाएगी ये भी तिंजा की मॉम ही डिसाइड करती थी। घर में भी उसकी मॉम की चलती थी। फिर तिंजा अपने घर पर आ जाती है और उस एग को चेक करती है जो कि अब थोड़ा बड़ा होने लगा था और वो उसके अंदर के बर्ड की हार्ट बीट को सुन पाती है। फिर एक दिन तिंजा अपनी मॉम को अपने बॉयफ्रेंड टेरो के साथ में किस करते हुए देख लेती है और उसकी मॉम उस रात में ये समझाने भी आती है और उसे ये सब बातें उन दोनों के बीच में ही रखने के लिए कहती है। तिंजा इस बात को अपने पिता को बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बता पाती है। और जब वो अपने रूम में आती है तो देखती है कि उसका एग अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और अब वो इसे छुपाने के लिए टेडी बेयर के अंदर रख देती है। फिर अगले दिन जब तिंजा जिमनास्ट के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी मॉम भी होती है और उसकी मॉम को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, लेकिन तिंजा आज अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। और फिर रीटा ने उसी के स्कूल में एडमिशन लिया होता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तिंजा की मॉम उससे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करवाती है जब तक कि उसे वो बो परफेक्टली ना हो जाए, जिससे कि तिंजा के हाथ पर छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वो बार बार उससे जिमनास्टिक की प्रैक्टिस करवाती रहती है। फिर हम रात को तिंजा को देखते हैं जो कि उस एग को ऑब्जर्व कर रही थी और उसे छूते ही उसमें से लाल रोशनी दिखाई देती है और धीरे धीरे ये एग काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है,
फिर एक सीन में तिंजा की मॉम टेरो के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में तिंजा को बताती है, जिसे सुनकर तिंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह अपने रूम में उस एग को हक करके रोने लगती है और हम देखते हैं कि उसके आंसू उस एग में एब्जॉर्ब होने लगते हैं। तभी वो एग हैच होता है और ये देखकर तिंजा डरकर कबर्ड में जाकर छुप जाती है और उस एग के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी क्रिएचर बाहर आती है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी। उसे देखकर तिंजा शॉक्ड हो जाती है। फिर अचानक उसके फादर की आवाज सुनकर वो बर्ड डरकर विंडो से बाहर भाग जाती है, जिससे कि उसे चोट भी लग जाती है। फिर वो क्रिएचर तिंजा के पास वापस आती है, जिसे देखकर तिंजा डर जाती है, लेकिन वो क्रिएचर उसकी नकल करती है, जिससे कि तिंजा समझ जाती है कि वो बर्ड तिंजा को अपनी माँ समझ रही है। तिंजा उस बर्ड की चोट को साफ करती है और उसे नहलाने के लिए ले जाती है और अब वो इस बर्ड से नहीं डर रही थी और वो इस बर्ड को एली नाम दे देती है। तभी मतियास उसके रूम में आने लगता है, लेकिन तिंजा फटाफट उसका रूम बंद कर देती है ताकि मतियास एली को ना देख पाए। अब इसके बाद तिंजा एली को बेड के नीचे सुलाती है, लेकिन एली रोने लगती है तो तिंजा उसको गाना गाकर सुलाती है, जिससे कि उसे जल्दी नींद आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में रीटा के डॉग के भौंकने की आवाज़ से तिंजा की नींद खराब होने लगती है और उसके मन में आता है कि वो उस डॉग को मार दे। तभी एली उस डॉग को जाकर मार देती है, जिससे कि हमें समझ आता है कि वो बर्ड और तिंजा एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर एली उसकी बॉडी को लाकर तिंजा के पास रख देती है, जिससे कि तिंजा पूरी तरह घबरा जाती है और डॉग की बॉडी को देखकर तिंजा को वॉमिटिंग होती है और एली उसी वॉमिट को खाने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक चिड़िया की माँ अपने बच्चे को खिलाती है। अब उसके बाद में तिंजा उस डॉग की बॉडी को ले जाकर बरी कर देती है और ये करते हुए मतियास उसे देख लेता है और वो इस बात से भी परेशान था कि रात को तिंजा ने उसे अपने रूम में नहीं आने दिया था। अब वो अगले दिन अपने फादर के साथ में रूम में आता है, लेकिन उसके फादर को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो तिंजा के बेड पर ब्लड देखकर समझ जाते हैं कि उसकी साइकिल स्टार्ट हो गई है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में रीटा अपने डॉग के मिसिंग पोस्टर लगा रही थी क्योंकि उस डॉग ने तिंजा को काटा था, इसीलिए एली ने उस डॉगी को मार दिया था। और उसके बाद में तिंजा की मॉम तिंजा को एक न्यू हेयर ब्रश देती है, लेकिन वो मतियास को कुछ नहीं देती है, इसलिए मतियास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो तिंजा को धक्का दे देता है। फिर वो जाकर उसी मरे हुए डॉग की बॉडी को उठाकर ले आता है और कहता है कि इस डॉग को तिंजा ने मारा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है। फिर हम तिंजा के रूम में एक शेडो को देखते हैं और मतियास भी तिंजा के रूम के बाहर ही था और मास्क पहनकर रूम में जाता है। वो जब उस बेड के नीचे देखता है तो उसे एली दिखती है जो कि मतियास पर हमला करने वाली थी क्योंकि उसने तिंजा को धक्का दिया था, जिसे देखकर मतियास डरकर उसकी मम के पास चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद में तिंजा रूम में वापस आती है और एली को डांटने लगती है। तभी उसकी मॉम भी रूम में आ जाती है और जब बेड के नीचे देखती है तो अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर वो कबर्ड खोलकर देखती है, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है क्योंकि एली ऊपर की तरफ छुपी होती है। तिंजा एली से बहुत ही नाराज थी और वो उसे कबर्ड में ही बंद कर देती है तो एली को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। फिर थोड़े टाइम बाद तिंजा उसे खाना खिलाने के लिए कबर्ड को खोलती है और वो बर्ड फूड खाकर उसके सामने वॉमिट कर देती है, लेकिन एली आज बहुत ही ज़्यादा दुखी थी तो वो उसे गाना गाकर सुनाने लगती है। अब एक दिन हम एली को कबर्ड से तिंजा की ड्रेस पहनकर बाहर जाते हुए देखते हैं और तभी उसे मतियास देख लेता है। उसे पहले लगता है कि ये तिंजा है, लेकिन उसे बाद में समझ आता है कि ये तिंजा नहीं बल्कि कोई और है। फिर बाद में एली तिंजा की मॉम के रूम में चली जाती है जो कि सोई हुई थी, तो एली उन्हें टच करती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक अजीब सा लिक्विड लगा हुआ था, जिससे वो डर जाती है और एक चाकू लेकर बाहर जाती है और तभी उनकी तरफ मतियास भाग कर आता है और उन्हें हक करके कहता है कि मॉम तिंजा एक भूत है, लेकिन वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती है। अब नेक्स्ट सीन में तिंजा एली के सर पर एक फ्लावर लगाती है और उसे ब्यूटीफुल बुलाती है और अब एली धीरे धीरे एक इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। जब तिंजा अपनी मॉम के साथ में जिमनास्ट की प्रैक्टिस के लिए जाती है तो वो रीटा के साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन ये सब तिंजा की मॉम को पसंद नहीं आता है क्योंकि रीटा तिंजा से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और तिंजा की मॉम उसमें रीटा के लिए जेलिसी वाली फीलिंग क्रिएट करना चाहती थी। फिर इसके बाद में तिंजा अपनी मॉम के साथ में घर जा रही थी और तभी उसे कुछ अजीब फील होता है। वो अपनी मॉम को वापस चलने के लिए कहती है और उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसे घर ले जाती है।
तभी हम इधर रीटा को देखते हैं जिसका पीछा एली कर रही थी और वो उस पर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि एली अब तेंजा जैसी दिखाई देने लगी थी। फिर अगले दिन तेंजा की मॉम उसे टेरो के घर पर लेकर जाती है और टेरो का एक बेबी भी होता है और टेरो की वाइफ की डेथ उसकी डिलीवरी के टाइम हो चुकी थी। अब रात को बेबी के रोने की आवाज़ से तेंजा को नींद नहीं आ रही थी और जब विंडो पर देखती है तो वहाँ पर एली होती है और उसे अपने पास में बुलाकर सुला लेती है। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर तेंजा की मॉम के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि रीटा पर किसी एनिमल ने अटैक कर दिया है। तभी उसकी मॉम तेंजा को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर रीटा तेंजा का हाथ पकड़कर चलने लगती है क्योंकि एली ने उस पर अटैक करते टाइम तेंजा का ही रूप लिया हुआ था और रीटा ये समझ रही थी कि तेंजा ने ही उस पर अटैक किया है। तेंजा इसे डर कर वापस आ जाती है और आकर वो एली पर गुस्सा करती है और उसे पूछती है कि ये तुमने क्यों किया है और इसीलिए वो खुद को थप्पड़ मारती है। फिर एली उसके पास जाकर उसे हग करके शांत करती है और अगले दिन हम देखते हैं कि एली ने पूरी तरीके से तेंजा का रूप ले लिया था। अब टेरो तेंजा को एक गिफ्ट देता है और तेंजा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे स्टंट दिखाने लगती है। फिर इसके बाद में उसे एली की आवाज़ आती है और एली बहुत दुखी थी तो रूम में जाकर बटफूड खाकर वॉमिट करने लगती है जिससे कि एली खाना खा सके। तभी टेरो वहाँ पर आकर रूम का गेट खोलने की कोशिश करता है और तेंजा गेट को अंदर से पुश करती है ताकि वो गेट को खोल नहीं पाए, लेकिन टेरो गेट खोल लेता है और एली का वो भयानक रूप टेरो के सामने आ जाता है और तेंजा गेट के पीछे छुप जाती है। टेरो एली को तेंजा ही समझता है और वो कहता है कि वो उसकी मॉम को बुलाएगा। तभी एली उस पर हमला करने वाली थी और तेंजा उसे बचाने के लिए जल्दी से गेट को लगा देती है जिससे कि टेरो का हाथ गेट में आकर जख्मी हो जाता है। इसके बाद में वो जाकर उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगती है और उसे ये सब उसकी मॉम से छुपाने के लिए कहती है। वो टेरो इस पर मान जाता है। तभी तेंजा की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और वो उसे कॉम्पिटिशन के लिए लेकर जाती है। जाने से पहले तेंजा की मॉम उस बेबी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है जो कि तेंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ये फीलिंग एली को ट्रांसफ़र हो जाती है। तभी तेंजा उस बेबी को भी अपने साथ में ले जाने के लिए कहती है लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। अब तेंजा कॉम्पिटिशन में थी और उसे फील हो जाता है कि एली उस बेबी के साथ में कुछ गलत करने वाली है और इधर एली भी एक एक्स लेकर उस बेबी के रूम में जाती है। तभी तेंजा परफॉर्म करते हुए नीचे गिर जाती है जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है और ये दर्द एली को भी फील होता है और उसके हाथ से एक्स छूट जाती है। पर तभी टेरो भी उस रूम में आ जाता है और एली को ये करते हुए देख लेता है, लेकिन टेरो एली को तेंजा ही समझ रहा था। फिर बाद में जब तेंजा की मॉम और तेंजा वहाँ पर आते हैं तो टेरो उन्हें अंदर आने नहीं देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी का इलाज करो, इसने मेरे बेबी को मारने की कोशिश की है, और वो उसे ब्रेकअप भी कर लेता है। अब हम तेंजा की मॉम का मेंटल ब्रेकडाउन देखते हैं जिसमें कि वो अपना सर बार बार कार के स्टेयरिंग पर मारती है जिस कारण से उसे चोट लगती है और खून आने लगता है। फिर दोनों घर जाते हैं और उसकी मॉम उसके फादर को किस करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि सब कुछ ठीक हो। अब रात में एली तेंजा के रूम में आने लगती है लेकिन तेंजा उसे अंदर आने नहीं देती है और विंडो से बाहर फेंक देती है। इसके बाद तेंजा अपनी मॉम के पास जाती है और उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम पर से स्मेल आती है और ये सुनकर तेंजा नहाने चली जाती है। इसके बाद एली भी रूम में आ जाती है और कबर्ड में छुपकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर तेंजा की मॉम भी आ गई थी और वो उसे जंगली कहकर उसे कॉम करने लगती है, लेकिन तभी एली के काफ़ी सारे बाल टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं जिससे कि एली गुस्सा हो जाती है और एली तेंजा की मॉम पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी तेंजा उसके सामने आ जाती है और अब दो दो तेंजा को देखकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है और तेंजा एली पर गुस्सा करती है जिससे कि एली को बहुत ही बुरा लगता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है और चीख चीख कर उसका मुंह फट जाता है और वहाँ से चली जाती है। फिर अब तेंजा अपनी मॉम को सारी बातें बता देती है और तेंजा भी अब एली से छुटकारा पाना चाहती थी तो तेंजा और उसकी मॉम हाथ में चाकू लेकर एली को ढूंढने लगते हैं। वो तेंजा की मॉम जब वापस तेंजा के रूम में आ जाती है तो कबर्ड को खोलकर देखती है लेकिन उसमें वहाँ पर अब एली नहीं थी। पर तभी एली उन पर हमला कर देती है लेकिन उनके हाथ में चाकू होता है जिससे कि वो एली के पैर पर मार देती है और अब वो एली को मारने वाली थी कि तभी बीच में तेंजा आ जाती है और चाकू तेंजा को लग जाता है और इस वजह से तेंजा मारी जाती है। तेंजा को ऐसे मरता देख तेंजा की मॉम रोने लगती है और तेंजा एली के ऊपर आकर गिरती है तो उसका खून एली के मुंह में चला जाता है
जिससे कि एली के घाव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उसकी आंखें और आवाज़ तिंजा की तरह हो जाती है और वो तिंजा की मॉम को मॉम कहकर बुलाती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल और हॉरर मूवी है जिसमें हमने देखा कि कैसे तिंजा की मॉम और तिंजा ने मिलकर एक रेवन बर्ड को मार दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस रेवन बर्ड का एक अंडा भी है। वो रेवन बर्ड अधमरी थी और मरी नहीं थी, लेकिन वो जैसे तैसे अपने अंडे के पास में जाने की कोशिश करती है। रेवन बर्ड को दर्द से छुटकारा दिलाने के चक्कर में तिंजा रेवन बर्ड को मारकर उस अंडे को अपने पास में ले आती है, और जब वो अपने आंसू उस अंडे पर गिराती है तो अंडा एली से कनेक्टेड हो जाता है और किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से उस अंडे का क्रिएचर बिल्कुल एली में बदल जाता है। लेकिन धीरे धीरे एली उससे परेशान होने लगी थी और इन द एंड जब एली मारी जाती है तो एली का खून उस क्रिएचर पर लग जाता है, पूरी तरह एली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उसके जैसा ही फील करने लगती है, और हो सकता है कि शायद अब एली उस क्रिएचर के अंदर जिंदा रहे। तो दोस्तों ये था द हैचिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।